दोस्तों रेड बटन पे क्लिक करके माय चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कैलाश से आपसे बात करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब अपन किसी भी लड़ाई झगड़े को लेकर अगर पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस अगर FIR दर्ज या रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो उसके बाद में अपन क्या करें, इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो है धारा 156 धारा 156 में क्या प्रावधान है जिसके तहत अपन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों किसी भी व्यक्ति के अगर अड़ोस पड़ोस में आप किसी व्यक्ति के साथ मारपीट होती है, अगर अपन सबसे पहले उसका पहले प्रोसेस है कि अपन जैसे ही मारपीट होती है, जिस किसी की लगती है, तो वो तुरंत प्रार्थना पत्र लिखकर पुलिस थाने में जाता है। अगर पुलिस उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं करती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो उसके बाद में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो दोस्तों किसी भी वकील के माध्यम से आप उस मुलजिम के खिलाफ एक इस्तगासा के तहत आप उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। ये कार्रवाई होती है कोर्ट द्वारा। दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसी घटना हो जाती है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो उसके बाद में आप किसी भी वकील के माध्यम से कोर्ट में जाके पूरी घटना का विवरण बता के कोर्ट में इस्तगासा पेश कर सकते हैं। इस्तगासा पेश करने के बाद वहाँ फैक्ट दबते बताना पड़ता है, कोर्ट को समझाना पड़ता है कि मेरे साथ ये घटना हुई, अगर कुछ मारपीट हुई तो उसकी रिपोर्ट की पर्चियाँ या किसी हॉस्पिटल में भर्ती हो तो हॉस्पिटल की कोई पर्ची। अगर ऐसी बात अगर आप पूरी बात अगर कोर्ट में ये बात साबित कर सकते हो, तो जो जो अधिकारी है, जज है, वो उस बात को देखकर उसके बयानों के आधार पे ये कहा जा सकता है कि मैं इसको, आप घबराने की बात नहीं, मैं इसको जांच करवा लेती हूँ। उस प्रक्रिया को 156 कहा जाता है। 156(3) में पुलिस द्वारा जांच की जाती है। 156(3) कोर्ट में अपन जो प्रार्थना पत्र का पेश करने बाद कोर्ट पर्सन ज्ञान लेते हैं 156(3) में, कि 156(3) में आप कोर्ट पुलिस थाने भेजती है, पुलिस 156(3) में जांच करती है, उस जिसके मारपीट है उसके बयान लेना पड़ता है, उसके बाद में पुलिस FIR दर्ज करती है। अगर पुलिस को कोर्ट के आदेश की पालना करनी पड़ती है। दोस्तों अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है और पुलिस वाले को उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, थाने द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो आप कोर्ट के माध्यम से भी 156(3) में इस्तगासा पेश, आप कोर्ट के माध्यम से इस्तगासा पेश करके 156(3) में कोर्ट उसको जांच करने के लिए थाने में भेज देती। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक शेयर करें। मैं आज बहुत दिनों के बाद, 10-15 दिनों के बाद ये वीडियो इस चैनल के माध्यम अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यक्तियों के ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये पता नहीं होता कि क्या करना है। थाने में दो बार एप्लीकेशन देने के बाद उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी ऐसी कार्रवाई नहीं होती तो आप तुरंत वकील से संपर्क करके कोर्ट में इस्तगासा पेश करके कोर्ट के द्वारा उसको दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा चैनल काम की आवाज़ आपको पसंद आए, तो इसको लाइक शेयर जरूर करें।